तो पिछली वीडियो में हमने देखे एवनोट के सारे फीचर्स। आई एम श्योर वो वीडियो देखने के बाद आप एवनोट में नोट्स बनाना तो सीख ही गए होंगे, लेकिन अब बारी आती है उन नोट्स को पढ़ने की और मेमोराइज करने की। तो इसीलिए आप में और हम सब ने एक मेथड का यूज़ किया होगा जिसका नाम है फ्लैश कार्ड्स। लेकिन फ़र्क सिर्फ इस बात का है, मेरे टाइम पे हम लोग पेन पेपर लेके अपने फ्लैश कार्ड्स क्रिएट करते थे और आप अपने मोबाइल फ़ोन पे मोबाइल ऐप्स की हेल्प से अपने फ्लैश कार्ड्स क्रिएट कर रहे हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हो। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप क्विजलेट ऐप का इस्तेमाल करके अपने फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो और दूसरों के बने बनाए फ्लैश कार्ड्स एक्सेस कर सकते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो ये रहा क्विजलेट का होम पेज। तो यहाँ पे आपको सेट्स दिख रहे होंगे, इसका मतलब आप जो भी सेट्स करंटली पढ़ रहे हो वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। देन उसके नीचे आप जो फोल्डर्स क्रिएट करोगे वो दिखाई देंगे और उसमें आप सेट्स ऐड कर सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है सर्च का। आपको जिस टॉपिक के फ्लैश कार्ड्स चाहिए उसे आप सर्च बार पे टाइप कर लो, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स लॉज। देन आपको यहाँ पे कई सारे सेट्स मिल जाएंगे, आप उसे चेकआउट कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो आप एक्सेस कर सकते हो। तो हम लोग एक पिक कर लेते हैं। देन यहाँ पे ऊपर आपको फ्लैश कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, तो अगर आपको उसका आंसर देखना है तो उसे सिंपली टैप कर दो उस फ्लैश कार्ड पे। देन उसके नीचे आपको 5 मेथड्स दिखेंगे जिसका इस्तेमाल करके आप ये फ्लैश कार्ड्स पढ़ सकते हो या मेमोराइज कर सकते हो। देन उसके नीचे आपको डिटेल्ड में कार्ड नज़र आएंगे, पहले क्वेश्चन एंड देन उसके बाद आंसर। अगर आप चाहो तो उसे सुन भी सकते हो उन कार्ड्स को। इम्पॉर्टेंट कार्ड्स को आप स्टार भी करके रख सकते हो। देन इसे सॉर्ट कर सकते हो आप। देन वन बाय वन हम सारे मेथड्स ट्राई करके देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न, तो आपको स्टडी दिस सेट करना है। आप यहाँ से भी मेथड चूज कर सकते हो। अगर आपको सारे कार्ड्स पढ़ने हैं तो आप स्टडी ऑल पे क्लिक करो, और अगर आपको सिर्फ स्टार्ट कार्ड पढ़ने हैं तो सेकंड वाला ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो। देन हम फर्स्ट मेथड देखते हैं लर्न का। तो आपको यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिख जाएगा एंड देन अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो सिंपली उस पर टैप कर दो और आपका आंसर दिख जाएगा। अगर आपको आंसर पता होगा तो आप गॉट इट पे क्लिक करो, और अगर आपको फिर से पढ़ना है तो स्टडी अगेन। देन इसके सेटिंग्स में अगर आपको ऑडियो ऑन चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हो। देन आपको क्वेश्चन एंड आंसर किस फॉर्मेट में चाहिए, आप डेफिनेशन को एज अ आंसर चाहिए और एज अ टर्म को आपको आंसर चाहिए, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे आप क्वेश्चन का टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे ग्रेडिंग ऑप्शन भी है। अगर आपका आंसर पार्शियल करेक्ट है फिर भी आप चाहते हो कि आपका सिस्टम ये आंसर को करेक्ट माने तो आप ये वाला ऑप्शन इनेबल कर सकते हो। देन यहाँ पे क्वेश्चन टाइप है, आप फ्लैश कार्ड्स के हेल्प से पढ़ना चाहते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देन सेकेंड मेथड है फ्लैश कार्ड्स का। तो हम इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं पहले। तो अगर आपको आंसर देखना है तो सिंपली टैप करना है कार्ड पे। देन अगर आपको फिर से कार्ड को स्टडी करना है तो ये सेकेंड वाला स्वाइप लेफ्ट करना है, और अगर आपको एकदम परफेक्टली याद है आंसर तो आपको राइट पे स्वाइप करना है। देन ऑप्शंस में हमें शफल का ऑप्शन मिल जाएगा। देन अगर आपको ऑडियो प्ले करना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दो। देन फ्रंट में आपको टर्म चाहिए या डेफिनेशन, वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे प्ले कर दो आप। देन वन बाय वन सारे कार्ड आपके सामने खुलते जाएंगे। अगर आपको आंसर पता है तो आप राइट पे स्वाइप कर दो, और अगर आपको नहीं पता तो आप लेफ्ट पे स्वाइप कर दो उस कार्ड को। सारे कार्ड्स पढ़ लेने के बाद जो आपने लेफ्ट साइड पे स्वाइप किए थे वो आपके सामने फिर से आ जाएंगे, और फिर से आपको उन कार्ड्स को पढ़ना है और लेफ्ट राइट को स्वाइप करना है। ये प्रोसेस आप तब तक कर सकते हो जब तक सारे कार्ड्स आपको याद ना हो जाए। जब आपके सारे कार्ड्स पढ़ के हो जाएंगे तो आपके सामने ये ऐसा मैसेज दिखाई देगा। देन थर्ड ऑप्शन है राइट का। तो आपको यहाँ पे आंसर टाइप करना है, और अगर आपको आंसर मालूम नहीं है तो आप दोनों पे कर सकते हो और आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आप डेफिनेशन टाइप करना चाहते हो तो आप ये फर्स्ट ऑप्शन इनेबल कर सकते हो। देन फोर्थ ऑप्शन है मैच। तो आपको यहाँ पे सिंपली मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन एंड आंसर की पेयर चुननी है, तो हम एक चुन लेते हैं। तो अगर आपका ग्रीन आ गया तो आपका आंसर करेक्ट है।
और हर गलत आंसर के लिए आपको एक प्लस 1 सेकेंड ऐड हो जाएगा आपके टाइमर में। देन लास्ट मेथड है टेस्ट का, तो आप यहाँ पे टेस्ट भी ले सकते हो। देन आपको कितने क्वेश्चंस चाहिए वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे आंसर आपको कैसे करना है, टर्म या डेफिनेशन। देन आपको किस टाइप के क्वेश्चंस चाहिए, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू और रिटन क्वेश्चन। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स मैंने चुन लिया था, तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो सिंपली आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ और जब आपके क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे तो आपको उसका रिजल्ट भी यहाँ पे दिखाई देगा कि कितने परसेंट आपका स्कोर आ चुका है। देन यहाँ पे आपको आपकी आंसर शीट भी देखने मिलेगी, आपके कितने आंसर्स करेक्ट है और इनकरेक्ट आंसर्स के करेक्ट आंसर्स भी आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। थ्री डॉट्स पे देखते हैं हमें कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं। तो आप सेट को फोल्डर में ऐड कर सकते हो और क्लास में भी ऐड कर सकते हो। देन सेकंड है एक्सप्लेनेशंस, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। देन अलग अलग टेक्स्ट बुक भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। क्विजलेट के फ्री वर्जन में आप लोग मैक्सिमम 3 सेट्स और 3 एक्सप्लेनेशंस आप एक्सेस कर सकते हो। देन आपको यहाँ पे क्लासेस का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पे काफ़ी सारे क्लासेस आपको दिखाई देंगे, तो हम ओपन करके देख लेते हैं इसमें क्या है। देन काफ़ी सारे क्लासेस यहाँ पे एम्प्टी है, पता नहीं यहाँ पे दिए क्यों है। देन थर्ड ऑप्शन पे आप सेट क्रिएट कर सकते हो, तो यहाँ पे सेट का नाम डाल दो। यहाँ पे आपको स्कैन डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन वो प्रो वर्जन में है। आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेट करनी है आपके टर्म्स और डेफिनेशंस की। एंड ऑटो सजेस्ट आप इनेबल कर सकते हो, विजिबल टू एवरीवन, और सिर्फ आप इसे एडिट कर सकते हो अपने सेट को। देन यहाँ पे टर्म डाल दो, तो हम पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और उसका साइंटिफिक नेम सेव करेंगे, तो गोल्ड। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमने ऑटो सजेस्ट ऑन किया था, इसलिए ये हमें सजेशन दे रहा है, तो आप उनमें से चूज़ कर सकते हो। देन मिनिमम आपको 2 टर्म्स डालनी पड़ेंगी आपके सेट को पब्लिश करने के लिए, और अगर आपको और एक टर्म डालनी है तो सिंपली प्लस पे क्लिक कर दो। और ये नीचे कलर वाले ऑप्शन आपके पेड वर्जन में है, और इसे टिक कर दो, आपका सेट पब्लिश हो चुका है और इसे आप शेयर भी कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन है क्रिएट फोल्डर, तो हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं और इसमें अब हम सेट्स ऐड करेंगे। देन न्यू क्लास भी आप क्रिएट कर सकते हो, मैं सपोज 10th, देन इसमें भी आप सेट ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे मेंबर्स डिस्प्ले होंगे, तो हम अभी जो हमने क्रिएट किया है वही हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे स्टडीड भी दिखाई देंगे। अरे ऐड क्यों नहीं हो रहा है, तो यहाँ से ऐड नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम होम पेज पे जाके सेट को ऐड करेंगे। तो यहाँ से हम लोग ऐड करते हैं 3 डॉट्स पे, देन ऐड टू क्लास। इतने सारे क्लास क्रिएट हो गए, मैंने तो एक ही किया था, तो फर्स्ट वाला हम सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे डन कर दो, तो मैसेज तो आ चुका है कि सेट मूव हो चुका है। तो हम देखते हैं क्लास में जाके, तो यस आप इस मेथड से सेट ऐड कर सकते हो। देन क्लास में आप इनवाइट मेंबर्स कर सकते हो और ड्रॉप क्लास भी कर सकते हो। देन यहाँ पे आप आपका स्कूल डाल दो, देन आप कोर्स भी यहाँ पे डाल सकते हो। उससे क्या होगा, आपको वही सेट्स रिकमेंड करेगा ये ऐप। देन यहाँ पे रेफर एंड अर्न का भी ऑप्शन है, तो आपको सिर्फ ये रेफरल लिंक को अपने दोस्त को शेयर करना है, और जब आपका दोस्त साइन अप करेगा तो आपको क्विजलेट प्लस का 1 वीक फ्री में मिल जाएगा, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। देन अगर आपको डार्क थीम पसंद है तो नाइट थीम आप यहाँ पे ऑन कर दो। देन अगर आपको ऑफलाइन यूज़ के लिए सेट सेव करने हैं तो आपको प्रो वर्जन लेना पड़ेगा। देन यहाँ पे क्विजलेट का लाइव गेम भी आप खेल सकते हो, आपके टीचर ने आपको जो कोड दिया है या QR कोड दिया है वो सिर्फ आपको यहाँ पे स्कैन कर देना है। क्विजलेट का प्राइस भी आप एक बार देख लो, इसके प्लस वर्जन में आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है क्विजलेट का रिव्यू, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लो और ये ऐप यूज़ करके देख लो। और ये ऐप आपको कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियो चेक कर सकते हो। टेक केयर एंड बाय।